हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम हियर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे, पढ़ाई में अपना फोकस दे रहे होंगे, अच्छा मजे कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में चल मार रहे होंगे। तो यार, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्क्स वाइज परसेंटाइल क्या हो सकता है। तो बहुत डिटेल में, डेप्थ में मैं आपको बताने वाला हूँ, और मैंने काफी डेटा रिसर्च करके उसके बाद बताया हूँ, मतलब बनाया हूँ। ठीक है, तो एक एक चीज हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डेटा भी शो करता रहूंगा। ठीक है, बोर्ड में लिखने में क्या टाइम बहुत ज्यादा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डेटा शो करता हूँ, जिसमें आपका और मेरा दोनों का टाइम सेव होगा। तो साथ में आपको पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना। ठीक है, और एक चीज और बता देता हूँ कि अभी देखो कुछ अपडेट आए हैं। देखो, जेईई मेंस का आपका फोर्थ अटेम्प्ट का पेपर खत्म हो चुका है, बीआर का बी आर्किटेक्चर का एग्जाम खत्म हो गया था। ठीक है, और आपका जो रिजल्ट है, पहले आपके आंसर की रिलीज होगी, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है कि 8 तारीख तक, 8 सेप्टेम्बर या 9 सेप्टेम्बर तक आपका जेईई मेंस का फोर्थ अटेम्प्ट का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा हम बात करते हैं कि आपका जो जेईई एडवांस की जो जो आपका रजिस्ट्रेशन डेट है, वो आपको बता देता हूँ। 11 सितंबर से 15 या 16 सितंबर तक डेट है, 4-5-6 दिन आपकी डेट रहेगी, उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो ऑनलाइन या ऑनलाइन मोड में। ठीक है, तो उसका ब्रोशर रिलीज हो गया, आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, और उसके अलावा हम बात करते हैं कि आपकी जूसा काउंसलिंग 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और आपका जेईई एडवांस का जो पेपर है 3 अक्टूबर का हुआ, और उसके बाद आपका जो रिजल्ट है जेईई एडवांस का, वो 15 अक्टूबर को आ जाएगा। ठीक है, 3 अक्टूबर को आपका जेईई एडवांस का पेपर रहेगा, 15 अक्टूबर को आपका जेईई एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा, और 17 अक्टूबर से आपकी जूसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी फाइनली। अभी एक महीना बचा हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं स्ट्रेटेजी लेके आ जाऊँ कि कैसे पढ़ना है एडवांस के लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या क्या तैयार करना है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। फिलहाल अभी आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी शिफ्ट ईजी थी। तो आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हम सब एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि है ना, काफ़ी स्टूडेंट को मैंने देखा हूँ, मतलब उनके बेस पे यहाँ पे बात करने वालों की कौन सा शिफ्ट टफ था, इजी था। ठीक है ना, तो पोल चला हुआ था मैंने, उससे मेरे को काफी कुछ क्लियर हुआ, और भी लोगों ने बताया। ठीक है, तो उसके हम हिसाब से हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार, हम अगस्त का जो होने, आज जो अगस्त का जो अटेम्प्ट हुआ था, इसमें हम हार्ड शिफ्ट को पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हार्ड शिफ्ट में अगर 99.5% आपके आते हैं तो कितने मार्क्स पे आ सकते हैं, तो वो आ सकते हैं 205 मार्क्स में। ठीक है, डेटा शो होता रहेगा आपको। 99% के लिए 190 मार्क्स चाहिए। ठीक है, 98.5 के लिए 170 मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैंने डेटा तैयार किया है, ये मैंने पास्ट कट ऑफ, ये पास्ट ईयर की जो कट ऑफ्स रही है उसके हिसाब से बताया हूँ। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है, यानी कि रैंक क्या होती चेंज होती रहती है ना, डेटा क्या ऊपर नीचे होता रहता है हर साल, क्योंकि कैंडिडेट बढ़ते रहते कम होते रहते हैं, राइट। तो मतलब फिर भी हम इससे क्या लगे, हम इससे आइडिया लग सकते हैं। ठीक है, तो 98.5% के लिए 170 मार्क्स। ठीक है, और 98% के लिए 155 मार्क्स, ये हार्ड शिफ्ट चल रही है। ठीक है, हार्ड। ठीक है, और जिसमें आपका 26 अगस्त, ठीक है, 26 अगस्त की शिफ्ट टू का जो पेपर था, ये आपको बहुत ज्यादा हार्ड था। ठीक है, काफी स्टूडेंट का रिएक्शन था कि 26 अगस्त का शिफ्ट टू, यानी कि इवनिंग वाला जो आपका अटेम्प्ट था, बहुत ज्यादा हार्ड था। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ, 98% के लिए 155 मार्क्स चाहिए, 97.5% के लिए 150 मार्क्स चाहिए, और 97 के लिए 140 मार्क्स चाहिए, 145 मार्क्स चाहिए, और 96.5% के लिए आपको 136 मार्क्स चाहिए। ठीक है, और 96% के लिए 130 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, 95 के लिए 125 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, 94 के लिए 112 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, 93 के लिए कितने लाने पड़ेंगे, 105 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और 92 के लिए 100 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, 91 के लिए 94 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, और 90 के लिए आपको 90 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, 90% के लिए आपको 90 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि जो टोटल यूनिक कैंडिडेट्स होंगे वो 10 से 11 लाख होंगे। ठीक है, तो रैंक निकालते समय आप 10 लाख से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 11 लाख से भी, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपकी रैंक निकल आएगी। ठीक है, मान लो किसी के 95% आते हैं तो उसकी रैंक लगभग 50,000 के आसपास बनेगी, अगर किसी के 97.5% आते हैं तो हो सकता है उसकी 25,000 रैंक बने। ठीक है, तो ये इस हिसाब से रैंक आपकी बन सकती है। ठीक है, और उसके अलावा हम बात करते हैं मॉडरेट की। तो मॉडरेट शिफ्ट यार आपकी 27 अगस्त की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 मॉर्निंग और इवनिंग थी। ठीक है, वो कंसिडर किया था कि मॉडरेट शिफ्ट थी। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ मॉडरेट शिफ्ट के बारे में। यार अब बात करते हैं कि मॉडरेट में आपका मार्क्स परसेंटाइल क्या हो सकता है। ठीक है, तो मॉडरेट शिफ्ट में अगर बात करें तो 27 अगस्त की मॉडरेट शिफ्ट रही थी। ठीक है, जिसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मॉडरेट शिफ्ट मानी गई थी, काफी स्टूडेंट का रिएक्शन यही था। ठीक है, तो उसके अलावा हम बात करते हैं, जैसे 99.5% के लिए आपको 220 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, 99 के लिए 200 प्लस आपको लेके आने पड़ेंगे, 98.5 के लिए 184, और 98% के लिए 174, और 97.5 के लिए 164, और 97 के लिए 155, और 96.5 के लिए 150, और 96% के लिए 145 मार्क्स, 95 के लिए 134, और 94 के लिए 125, और उसके अलावा 93 के लिए 118, और 92 के लिए 114, और 91 के लिए 105, और 90 के लिए 100। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए मॉडरेट के लिए। ठीक है, तो ये मॉडरेट का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ इजी टू मॉडरेट का क्या था।
ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इजी टू मॉडरेट शिफ्ट के लिए आपका मार्क्स परसेंटाइल क्या हो सकता है। और शिफ्ट की अगर बात करें तो 26 अगस्त की शिफ्ट 1 आपकी इजी टू मॉडरेट थी, और 1 सितंबर यानी कि शिफ्ट 2 बस एक ही शिफ्ट हुई थी उसमें, ठीक है। तो 1 सितंबर की शिफ्ट भी इजी टू मॉडरेट मानी गई थी, और 31 की हम बात करें 31 अगस्त, ठीक है, 31 अगस्त की शिफ्ट 2 यानी कि इवनिंग शिफ्ट वो भी इजी टू मॉडरेट मानी गई थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, बाकी अब लड़ना नहीं कि यार अब मॉडरेट थी शिफ्ट इजी टू मॉडरेट, ठीक है ना, लड़ना नहीं है। अभी यहाँ पे हम बहुत आराम से समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है, जो मैं बताऊँ समझते चलना, ठीक है। 99.5% के लिए आपको 230 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, 99% के लिए 205 मार्क्स लाने पड़ेंगे, 98.5 के लिए आपको 195 लाने पड़ेंगे, 98 के लिए आपको 184 लाने पड़ेंगे, 97.5 के लिए 175 लाने पड़ेंगे, और उसके अलावा 97 के लिए 167 आपको लाने पड़ेंगे, और 96.5% के लिए 160 आपको लाने पड़ेंगे, 96 के लिए आपको 150 लाने पड़ेंगे, ठीक है, 95 के लिए आपको 145 लेके आने पड़ेंगे, 94 के लिए आपको 135 लेके आने पड़ेंगे, 93 के लिए आपको 125 लेके आने पड़ेंगे, ठीक है, और 92 के लिए 120 आपको लेके आने पड़ेंगे, और 91% के लिए 112 आपको मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, और 90% के लिए 100 मार्क्स आपको लगभग लाने पड़ेंगे। इजी टू मॉडरेट शिफ्ट की मैंने आपको बता दिया, डेटा आप शो हो रहा होगा आपको, ठीक है, तो इससे आपको आसानी लग रही होगी, ठीक है। तो इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं इजी शिफ्ट की अगर हम बात कर लेते हैं। इजी शिफ्ट में यार आपका जैसे 31 अगस्त, ठीक है, तो 31 अगस्त की शिफ्ट 1 का जो पेपर था वो इजी माना गया था, ठीक है। तो ये जिसमें हम बात करते हैं 99.5% के लिए आपको 265 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। इजी टू मॉडरेट और इजी में क्या होता है, आपको स्कोर ज्यादा लेके आना पड़ता है तब आपके परसेंटाइल ज्यादा आते हैं, तो आप टेंशन मस मत लेना, ठीक है, अगर आपके परसेंटाइल कम आते हैं तो। 99% के लिए 245 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, 98.5% के लिए आपको 230 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, ठीक है, और 98 के लिए आपको 225 यानी कि 225 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, 97.5% के लिए आपको 212 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, और 97% के लिए 205 मार्क्स, 96.5% के लिए 200 मार्क्स यानी कि 200 मार्क्स, और 96 के लिए आपको 194 मार्क्स, 95% के लिए 180 मार्क्स, और 94% के लिए 170 मार्क्स, और 93% के लिए 160 मार्क्स, और 92% के लिए आपको 153 मार्क्स, और 91% के लिए आपको 148 मार्क्स, और 98% के लिए आपको 140 मार्क्स, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में आपको जल्दी जल्दी से आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ, इसके मतलब से आप हिसाब लगा सकते हो कि आपकी मतलब कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बन रही होगी, ठीक है। तो बहुत मतलब ऑलमोस्ट एक्यूरेट हो सकता है ये डेटा, ठीक है, एक्सपेक्टेड बहुत सोच समझने के बाद आके मैंने तैयार किया आप लोग के लिए डेटा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसी के साथ आज को यहीं पे खत्म करते हैं, और आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ जनरल वाले कैटेगरी की, अगर आप स्टूडेंट हो तो 92% आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा एडवांस में अपियर होने के लिए, और उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 75% आपको लाने पड़ेंगे, ईडब्ल्यू की बात करें तो 75% से 80% के बीच में आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम एससी की अगर बात कर लेते हैं तो उसके लिए आपको 50% से ज़्यादा आपको लेके आना पड़ेंगे, और उसके अलावा हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी के लिए तो 40% से ज़्यादा यानी कि 45% तक अगर आप ज़्यादा लेके आते हो तो इतना आपका मतलब जेई एडवांस के लिए आप अपीयर हो सकते हो। तो मैंने आपको कट ऑफ बता दिया और मार्क्स वैसे परसेंटाइल बता दिया अलग अलग शिफ्ट का, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ जरूर लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप न्यू आए हो तो इस तरीके से आप सपोर्ट देते रहो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है, और आप सपोर्ट देते रहो, प्यार देते रहो, ताकि मैं आपके लिए और रेगुलर कंटेंट अच्छा लेके आता रहूँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, और एडवांस के लिए मैं जस्ट वीडियो लेके आऊँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भरोसा रखो, पेशेंस रखो, ठीक है, सब एक एक करके ला रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। जितने 12th वाले बच्चे थे आप लोग को टेंशन नहीं लेनी, मैं आपके लिए हर एक कोशिश करूँगा वीडियो लाने की, तब तक के लिए पेशेंस रखो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, और आप उनके डाउट कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो, बाय बाय।